तो देख रहे इस समय ना भाई साहब यार तुम्हारे भाई ने कपड़े यहाँ पर उतार दिए हैं, तो देख रहे हो भाई माइकल माफिया यार बिग माफिया यहाँ पर। तो चलो गाइस अब ट्रेवर की बारी, भाई ट्रेवर तो और ही ज़्यादा फनी लग रहा था भाई देख रहे हो यार क्या। चलो गाइस मेरा नाम है मैं, तो स्वागत है आपका करूँ GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस कैसे आप सब लोग, आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा यार क्या ही ज़ॉम्बीज के साथ अपनी लड़ाई हो चुकी थी, जिस कारण यार हमने उनको बहुत ही ज़्यादा पीटा यार। आपको भी पता होगा यार क्या ही सीन हो गया था, माइकल को क्या ही गिर लिया था मिलिट्री बेस में। तो चलो गाइस इस समय अपने को ना लेस्टर कह रहा था कि अब तुम्हें जरूरी काम देना है हमने, तो इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 4000 लाइक का आप जरूर से यार कंप्लीट करा देना, तो बहुत ही बड़ा लाइक है मैं और मेरे लिए, और चैनल पर को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से अपने भाई की 35 की इंसेंट फैमिली करा दो। और भाई यार एक स्पेशल चीज है यार, आज के दिन मैं सोच रहा हूं मैं दो वीडियोस डालूं, एक दोपहर को जो आप देख रहे हो और शाम के टाइम या 5 बजे के करीब आसपास आ जाएगी या 6 बजे के, तो भाई आपको मिलेगी पक्का। तो जरूर से यार शाम वाली वीडियो भी देख लेना। तो चलो भाई बहुत ही ज्यादा बकवास मैंने यहां पर कर लिया, तो सीधे चलते हैं लेस्टर के पास। तो यार लेस्टर पता नहीं यार क्या ही प्लान बना के बैठा है भाई साहब, कल रात से लगा पड़ा यार हैकिंग करने में। तो देख रहे हो यार लेस्टर अभी भी यहां पर हैकिंग करने में लगा ही पड़ा यार कुछ ना। तो भाई सुन ले भाई, बुला के इग्नोर मार रहा है, तो ये कह रहा बस मुझे 2 मिनट लगेंगे, तब तक के लिए यार तुम टाइम पास करो। तो चलो गाइस इनको दिखा देता हूं मैं। तो भाई देख रहे हो ट्रेवर यहां पर है और जिमी भी यहां पर बात कर रहा है। तो भाई देख रहे हो कल बहुत ही ज्यादा इसको पीटा, तो भाई साहब भाग गया था यार घर से, देख रहे थे रनिंग पिच गया था, ऐसी सैर करने गया था ना भाई, छत पे बैठ गया किसी के जाके उधर। तो भाई यहां पर अमेंडा और ट्रेसी है, तो भाई ये भी यहां पर कॉफी वगैरह पी रही है, और सिक्योरिटी का तो क्या ही कहना है, सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा औसम है। तो चलो भाई अब लेस्टर के 2 मिनट यहां पर हो चुके हैं, तो भाई लेस्टर के पास अब चल लेते हैं, उससे पूछते हैं भाई साहब अब बताओ यार क्यों बुलाया अपने को और क्या ही प्लान बनाया रात भर है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर लेस्टर यहाँ पर ये कह रहा ना कि तुम्हें जाना पड़ेगा इस समय सीधा मिलिट्री बेस, मिलिट्री बेस में ना तुम्हें पहले इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था और कौन सा एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। तो सब कुछ अपनी जान पे यार तुम्हें खेल के ना पूरे लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा। तो सही है भाई, लेस्टर तो घर पर बैठा रहता है और इसने तो बस मुँह चलाना है। तो भाई वैसे भी सही बताऊँ लेस्टर के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो भाई जो लेस्टर कहता है वो अपने को मानना पड़ेगा। और ये कह रहा है यार फ्रैंकलिन को ले जाओ या ट्रेवर को, तो भाई साहब फ्रैंकलिन भाई तू चला जा भाई, तो यार आज अपने साथ चल, कल गया था ट्रेवर, तो यार ट्रेवर कह रहा यार इस समय ना मैं थका पड़ा हूँ पूरा, तो यार तुम जाओ। तो सही है यार, फ्रैंकलिन कह रहा कि यार तुम मुझे लेके नहीं जाते तो तुम मुझे लेकर चलो। तो देख रहे हो अब जल्दी से चलते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस में, तो भाई जल्दी आ जाए यार फ्रैंकलिन, बैठ जा पीछे की तरफ। तो देख रहे हो यार सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है अपनी, तो यार इस पे तो कोई भी हमला नहीं कर सकता, ज़ोंबी हो चाहे ज़ोंबी का बाप हो, तो भाई कोई भी हमला नहीं कर सकता। तो भाई देख रहे हो इस समय ना तुम्हारा भाई जा रहा सीधा मिलिट्री बेस में, क्योंकि ना उधर लेस्टर ने बोला अपने को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो चलो गाइस जल्दी से चल लेते हैं मिलिट्री बेस। तो भाई क्यों ही ड्रिफ्ट मार रही है यार ये गाड़ी, तो भाई पता नहीं यार खड़े खड़े ना बैनी को भी लेकर आना पड़ेगा यार, क्योंकि एक ही गाड़ी है इसको हम बार बार चला रहे हैं, तो इसको भी सर्विस वगैरह इसकी करवानी पड़ेगी डेली, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ तो अपनी गैरेज में खड़ी हैं। और इस समय पूरा लॉस सैंटोस देख रहे हो कितना शांति से भरा है, और एक आधी गाड़ी दिखेगी दोपहर को, तो भाई आज ज्यादा गाड़ियां दिख रही है यार, क्योंकि ना दोपहर के टाइम ना ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल भी नहीं होते, और शाम के टाइम पूरी बारात होती है ज़ॉम्बियों की, पूरा परिवार होता है ज़ॉम्बियों का साथ में, तो भाई आपने भी देखा होगा। तो देख रहा है ये जो टनल बंद थी ना, तो इसको इन्होंने फाइनली खोल दिया है, तो भाई दोपहर को थोड़ा कंट्रोल होता है, रात के टाइम ये यहां से शटर लगा देते हैं। तो देख रहा हूं इस समय बहुत ही ज्यादा घट भीड़ है, तो यार भीड़ तो कौन सी यार, एक भी बंदा मुझे यहां नहीं दिख रहा, वो तो हमारे घर के पास जो बंदे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ढीठ हैं, उनको अपनी जान की कोई भी चिंता नहीं है, सीधा यार चौड़ में घूमते रहते हैं। तो चलो गाइस जब हम आ चुके हैं सीधा मिलिट्री बेस के पास, तो भाई यार इन्वेस्टिगेशन करनी है जैसे लास्ट ने बोला था, अगर हो जाए तो। वैसे यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज थे उस समय रात के टाइम, इस समय यार शायद ही हो, तो जल्दी से चल लेते हैं यार अंदर की तरफ। तो भाई देख रहे हो यार सामने की तरफ टैंक है, इसका मतलब यार ये ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं चला रहा, तो भाई डर तो मुझे लग रहा है कहीं ज़ॉम्बी अगर टैंक चला रहा, तो भाई नहीं ये तो रियल बंदा है लेफ्ट साइड में। तो यार ये भी देख रहे हैं यार बंदा कौन है लैम्बोर्गिनी लेके, और कितनी सिक्योरिटी है गाइस यहाँ पर पता नहीं है, भाई हट जा यार कहीं मैं तुझे उड़ा दूँ गलती से। तो भाई नहीं मार रहा सर जी, आप क्यों डर रहे हो यार। तो भाई यार कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर, तो देख रहे हो गाइस, तो ये बंदा आ रहा है यार अपने पास, तो भाई ये तो भाग ही आ गया, और ये कह रहा क्यों आए हो यहाँ पर और कौन हो तुम लोग। तो देख रहे हो ये कह रहा कि यहाँ से ना चुपचाप ना जैसे आए थे वैसे निकल जाओ, कहीं हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से यहाँ पर पूरे हमें ऑर्डर हैं, अगर कोई
गलती से भी आ जाता ना, कुछ भी आ जाता, कोई भी जानबूझ की उसको सीधा मार गिराया जाए। तो भाई ये कह रहा है यहाँ से निकल जाओ, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जब हम इनको कह रहे हैं ना हमें जोम्बिस का एक्सपेरिमेंट जो तुम कर रहे थे वो चाहिए, तो ये कह रहे तुम रोकोगे जोम्बिस को, भागो। तो भाई हम भागेंगे, पर भाई ऐसे नहीं भागने वाले, तो लो बेटा मरो। बहुत ही दिमाग खराब कर रहे थे, तो भाई करो जितनी वायरिंग करनी है, अपनी गाड़ी पूरी बुलेट प्रूफ है। तो भाई देख लो कितने बंदे आ चुके हैं, भाई तू गंजे तू मर यार यहाँ से। तो चलो गाइस जल्दी से गाड़ी को मैं यहाँ पर ठोक के पार्क लगा चुका हूँ। तो भाई अब जल्दी से ना फायरिंग वगैरह चालू कर देते हैं हम। भाई फ्रैंकलिन किसी को भी नहीं छोड़ना यहाँ पे, सबको मारो। इतना दिमाग खराब के रख रखा है ना इन्होंने, देख रहे हो गाइस यार कितने ज़ॉम्बी इन्होंने पहले बना दिए, क्या ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और क्या ही बना लिया इन्होंने। तो चल बेटा गंजे तू भी निकल और गंजे यहाँ से तू भी निकल। तो भाई जल्दी मार फ्रैंकलिन यहाँ पर, मैं तो कह रहा हूँ बजूका वगैरह सारी चला दे किसी। भाई गंजे में जान है यार बहुत ही ज्यादा, अभी दो ही गोली पड़ी है, गंजा गिरा फिर से खड़ा हो चुका है। तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ना, तो ले बेटा तू भी चल यहाँ से और तू गंजे फिर से निकल जा। बहुत ही ज्यादा गंजे है यार, क्या ही साबित करना चाह रहे हो गंजों की गैंग बना के। और लॉस्ट गैंग में बहुत ज्यादा गंजे थे। तो भाई देख लो सामने की तरफ इस सैलेंडर को उड़ा देता हूँ मैं, तो धमाका यहाँ पर होएगा। तो भाई इसके पहले हेडशॉट बजाऊं, तो चल बेटा तू भी मर। तो भाई तू कहाँ ही भाग रहा है। तो देख रहा है ऊपर की तरफ भी बंदे थे, हमने इनको भी बजा दिया, और नीचे की तरफ बंदे थे, हमने इनकी भी गेम बजा के रख दी यहाँ पे। तो सही है, जल्दी से अब अपनी गाड़ी उठाता हूँ, फिर मैं चलता हूँ उस रूम के क्लोज, क्योंकि यार उस रूम में मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी लगा रखी है इन्होंने, पर पता नहीं यार क्यों ही लगा रखी है। तो चलो भाई अब देख रहे हो इन्होंने गाड़ी का क्या ही हाल कर दिया, गोलियाँ फायरिंग कर करके। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा बच के भाग रहा था, तो इसको भी हमने मार दिया। तो भाई ये वही बंदे हैं, तो भाई तुम भी मरो भाई, क्या ही कर लोगे। तो भाई क्या ही मिसाइल की तरह ये लॉन्च कर दिया उसने। तो भाई ये तो डर चुका है, तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ना फ्रैंकलिन, सबको मारना है पहली फुर्सत में, इनको निकालना है यहाँ से। तो यार पहले तो इन्होंने ज़ॉम्बीज बना दिए, बाद में पूरी चौड़ में ना हमें कह रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, और गवर्नमेंट के ऑर्डर है यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। तो चलो गाइस अब जल्दी चल लेते हैं अंदर की तरफ। तो देख रहे हो यार क्या ही है, पूरी शांति है इधर। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई होगा कि नहीं, शुक्र करो गाइस यार माइकल ने यहाँ पर वेस्ट वगैरह डाल रखे, नहीं तो क्या ही हाल होता। तो भाई सामने की तरफ बंदा है, तो चल बेटा यहाँ पे निकल जा तू भी पहली फुर्सत में। तो भाई यहाँ की तरफ भी खड़ा, तो भाई क्या ही फ्रैंकलिन तू कहाँ है भाई। तो भाई फ्रैंकलिन पता नहीं यार कहाँ भाग गया, तो जल्दी से इसको भी मारना पड़ेगा। तो चल बेटा तू भी पहली फुर्सत में यहाँ से निकल ले। और यार देख रहे हो हर सीढ़ी के ऊपर बंदे खड़े हैं, तो भाई मैं तो अलग ही फ्री फायर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर नहीं खड़ा कोई, तो भाई यहाँ पर खड़ा है। तो चल बेटा यहाँ पर तू नीचे की तरफ गिर जा। तो भाई यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है, क्योंकि ब्लास्ट ना इस साइड बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ा आगे की तरफ हुआ था, तो भाई इसको मारना पड़ेगा। तो भाई अलग ही गोलियाँ चला रहा है भाई, क्या ही छुप के खड़ा है, उसके पीछे ऐसे छुप के खड़ा था ना तो जैसे गले लग के खड़ा हुआ होता उसको। तो देख रहे हो भाई इसको भी हमने यहाँ पे मार गिराया, तो सबकी गेम बजा ही दिया मैक्सिमम यहाँ पे। तो भाई चिल्लाने की आवाज़ तो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो भाई ये अलग ही दुख का पड़ा है कोने में। तो भाई टीपी भी ले रहा है क्या भाई, बता दे क्या ही कर रहा है। तो चलो भाई उसको भी हम मार दिया है। तो भाई अब थर्ड फ्लोर पर हम आ चुके हैं, तो भाई देख रहे हो यार ये पूरी चौड़ में है, तो देख रहे हो गाइस यार सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है, इसको लग रहा है कि गोलियां हम मार नहीं पाएंगे। तो पर इनको क्या ही पता भाई, इनका बहुत ही ज़्यादा चलाक है यार इनसेन, तो इनका क्या ही काम कर दिया। तो चलो भाई एक तरफ इस तरफ भी खड़ा था एक बंदा, यार मैं क्या ही कह रहा हूँ, एक तरफ इस तरफ, भाई मैं कहना चाह रहा था इस तरफ भी एक तरफ, भाई छोड़ो यार समझ गए ना वही बहुत है। तो देख रहे हो इस तरफ भी बंदा खड़ा, तो भाई इसकी भी जल्दी से गेम यहाँ पर बजा देते हैं। तो चल बेटा क्या ही एम कर लोगे भाई साहब, तुम नहीं बचने वाले यार हमसे, एक तो ज़ॉम्बीज बनाओ ऊपर से और रोको। तो भाई क्या ही कह रहे थे, तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें गवर्नमेंट ने ना ऑर्डर दे रखे है कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर अपने को गोल्डन मिनी गन मिल चुकी है, तो देख रहे हो यार इसको तो मशीन गन कहना चाहिए, मिनी गन तो पता नहीं क्यों ही कह रहे हैं। तो देख रहे हो यार कितने तीन बंदे दो ही गोलियों में लपेट दिए हैं, तो सही है यार। तो चल बेटा अब आगे की तरफ निकल ले यार, तेरी डेड बॉडी भी यहाँ पर बचने वाली। तो भाई एक रूम था, रूम के अंदर जब भी मैं गया ना वहाँ पर ये मशीन गन पड़ी थी। तो भाई देख रहे हो यार क्या ही साबित करना चाह रहे हो पौड़ियों के ऊपर खड़के, आओ तो यार लड़ने आओ स्टेयर्स पे खड़के, क्या ही कर लोगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऊंचा टावर है यार ये। तो चलो गाइस अब जल्दी से ऊपर की तरफ हम पहुंचने वाले हैं, यार चिल्लाने की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो देख रहे हो गाइस यार कितने बंदे हैं यार यहाँ पे, और फिफ्थ फ्लोर पे हम आ चुके हैं। तो भाई जल्दी मर भाई, हर कोने पे खड़े हैं यार। एक काम करो यार तुम ना सब जन मिल के आ जाओ यार, इकट्ठे आ जाओ सब जने लड़ने के लिए। और ये फ्रैंकलिन पता नहीं यार कहाँ ही भाग गया। तो फ्रैंकलिन अभी तक तो अपने पीछे था, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो देख रहे हो यार क्या ही तबाही मचा दी इन बंदों की। तो भाई एक इस तरफ खड़ा, इसको लग रहा था कि जब हम आएंगे ये तब फायर करेगा, पर भैया जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये पहले मर जाएगा। तो भाई दो बंदे यहाँ पे खड़े हैं। तो यार फाइनली यार यहाँ पर स्टेज खत्म हो चुकी है, और चिल्लाने के बाद तो भाई अंदर कौन ही लड़ रहा है। तो चलो भाई इनको भी हमने यहाँ पर मार गिराया है। तो भाई ये बाहर क्या ही देख रहा था, चल बेटा पहली फुर्सत में निकल ले, और तुम भी यहाँ पर निकलो, क्या ही ब्लड वगैरह यहाँ पर।
पूरा निकल रहा है। तो गाइस देख रहे हो कितनी ही ज्यादा तबाही हो चुकी है। और ये फ्रैंकलिन का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है भाई साहब, अभी तक तो अपने पीछे था, पता नहीं यार कहाँ चला गया। तो भाई जब मिलेगा ना तो भाई मैं उसको पक्का बोलने वाला। तो देख रहे हो गाइस कितने बंदे हैं अंदर की तरफ। तो मैं फ्री फायर तो बिना बात कर रहा हूँ, तो एक आधा बंदा मर भी गया यार फ्री फायर के बीच में लिपट के। तो चलो गाइस अब जल्दी से, भाई लेफ्ट में से भी कोई फायर कर रहा है, तो भाई जल्दी से ना पहले इसको ही पकड़ना पड़ेगा। तो चलो भाई हम, ओ भाई देख रहे हो कितने बंदे हैं यार यहाँ पे, तो जिस कारण मैं अंदर आ नहीं रहा था। तो देख रहे हो यार मैंने तो अंधाधुंध यहाँ पे फायरिंग वगैरह कर दिया है, और सामने की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं। तो यार सबको हम मार रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो यार पूरी मशीन गन पूरी लोडेड है। तो सामने की तरफ भी चार पाँच बंदे, तो जल्दी से इनको मार दिया। तो क्या ही कर लोगे भाई, तुमने ओपन वेपन क्यों ही रखे हैं यहाँ पे। तो भाई जल्दी से इसको मारना पड़ेगा। तो चल बेटा यहाँ पे निकल जा पहली फुर्सत में। और यार फिर से सीढ़ियाँ आ चुकी हैं भाई, पूरा दिमाग खराब हो रहा है। तो यार देख रहे हो सामने की तरफ कवर ले रहा था भाई, क्या ही करेगा भाई साहब यार कवर लेके। तो यार यहाँ पर लिफ्ट लगी है, फ्रैंकलिन ने अपने को बिल्कुल भी नहीं बताया, तो शायद ऊपर से लड़ने के। तो भाई साहब जी यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये कह रहा है मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पहले मैं स्टेयर्स पे आया फिर मैं लिफ्ट में आया। तो कह रहा अब चलो यार अब चिंता की कोई बात नहीं, अब हम इकट्ठे हो चुके हैं। और ये गन कहाँ से मिली? तो भाई तू पहले ऊपर आ जाए मैं तुझे बताऊंगा, बिना बात के बात ना कर। तो भाई देख रहे हो यहाँ पर पता नहीं क्या ही करने को सोच रहे थे ये लोग, जब अपने को देखा उन्होंने पूरी फायर वगैरह कर दिया। शुक्र करो यार हमने वेस्ट डाल रखी है यहाँ पे। तो देख रहे हो यार कितने बंदे हैं यार यहाँ, तो सबके हमने गन बजा दिया। तो देख रहे हो अगर मशीन गन ना होती ना तो हमारा क्या ही होता। वो ज़्यादातर गोलियां तुम्हारे भाई ने ना इसके बीच में डाल दी दीवार में। तो यार मैं इनको मार रहा हूँ, फिर कवर में आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ पर फिर कवर में आ रहा हूँ। और ये फ्रैंकलिन पक्का यार नशे में यार, पता नहीं इसको कॉफ़ी पी के पूरा नशा चढ़ चुका है। तो देख रहे हो यार हमने सबको फाइनली यहाँ पर मार दिया है। और यार इतनी कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे? तो भाई यहाँ पर तो कुछ रखा हुआ यार, सीढ़ी रखी है यार, पता नहीं यार क्या ही चीज़ है। भाई फ्रैंकलिन जल्दी आ जा। तो देख रहे हो यहाँ पर पहले मैं चेक कर लेता हूँ कुछ ना कुछ तो है। तो भाई जैसे कि सीढ़ी पड़ी और कुछ भी नहीं पड़ा यहाँ पे। और पूरे ना मिलिट्री बेस का कंट्रोल इनके हाथ होता है, अगर कोई जबरदस्ती मिलिट्री बेस में एंटर हो जाता ना तो भाई ये लोग इन्फॉर्म कर देते हैं अपने नीचे जो मिलिट्री वाले हैं उनको। तो भाई ये देख रहे हो यार ये सीढ़ी पड़ी है भाई, पता नहीं यार क्यों छुपा रहे थे ये इसको, और ब्रीफ केस पड़ा। तो भाई जल्दी से ना इसको उठा के चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। तो चलो भाई जब अपने हाथ में इस समय ब्रीफ केस, तो भाई अब ना हम चलेंगे सीधा लिफ्ट से। बहुत ही ज्यादा चला के यार फ्रैंकलिन तो यार अकेला लिफ्ट में आ गया, और हम इतनी सीढ़ियां चढ़ते हैं ना पागलों की तरह। तो गाइस पूरा यहाँ पर दिमाग खराब हो चुका। तो भाई जल्दी खुल जा, ये ना कही कि ये बेकार है लिफ्ट यार, एरर वगैरह इसमें। तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ से नीचे की तरफ हम आ चुके हैं। तो जब हम इनसे पूछ रहे हैं तो भाई कहाँ था, ये कह रहा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे लगा कि तुम लिफ्ट में गए होगे, और बाद में ना ऊपर से फायरिंग के बारे में फिर मैं सीधा लिफ्ट से ऊपर आ गया। तो चल भाई अब आ जाए यार फ्रैंकलिन। तो देख रहे हो अब अपने हाथ में इस समय ब्रीफ केस, तो अपने को जाना है लेस्टर के पास। तो यार जो भी लेस्टर कहता है वो हल्का हल्का सही होने लग जाता है। तो देख रहे हो यहाँ पर पूरे मिलिट्री वाले गिरे पड़े हैं, तो सही है यार इनको मर जाना चाहिए गिर के। तो यार मर तो वैसे ही गए, जो बचे कुछ है ना उनको भी यहाँ पर मर जाना चाहिए। तो यार ये पता नहीं यार ब्रीफ केस अपने हाथ क्या ही लगा है, और इसमें सीढ़ी पता नहीं यार क्या ही चीज़ है यार, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अपनी पोर्श की हालत ना इस समय ना चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हो जो फ्रंट वाला टायर है वो अलग ही नशे में है, तो भाई अपने ही नशे में यार वो लेफ्ट और राइट अलग ही जा रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आपको कहीं अगर लग रहा होगा कि मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ जान मुझ की, तो भाई अलग ही नशे में, लेफ्ट कर रहा हूँ तो राइट मुड़ रही, राइट कर रहा हूँ तो लेफ्ट मुड़ रही है। तो पूरा यहाँ पर दिमाग खराब कर दिया इस गाड़ी ने। तो भाई जल्दी से ना अपने को बैनी को भी लेना पड़ेगा। तो भाई अभी नहीं लेंगे, इस समय तो हम आ चुके हैं फ्रैंकलिन घर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज। तो भाई अपनी यहाँ पूरा भेस तैयार है, और सिक्योरिटी भी यार है इधर। तो चलो भाई अब जल्दी से ना मैं इस कबाड़ को लेकर चलता हूँ। तो भाई इतनी अच्छी गाड़ी थी ना, तो बिल्कुल नैनो बन चुकी है। तो गाइस देख रहे हो क्या ही हालत हो चुकी है इसकी। तो चलो भाई जल्दी से इसको यहाँ पर मैं पार्किंग में लगा। तो भाई खोल दो भाई। तो चलो गाइस इन्होंने गेट यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो देख रहे हो यार इसकी हालत क्या ही हो चुकी है यार, गेट भी यहाँ पर बंद हो गया भाई, ऑटोमेटिक होता है यार, बहुत ही ऑसम गेट है ये भी। तो चलो भाई अब फ्रैंकलिन सामने से हट जा, मुझे ब्रीफ केस लेके जा लेने दे। तो ये बंदे भी यार सोच रहे होंगे भाई कहाँ ही जा रहा है भाई, इसको तो ज़ोंबी का बिल्कुल भी डर नहीं है, बाहर जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है। तो चलो भाई लेस्टर ही हम ले आए हैं यहाँ पर ब्रीफ केस, अब यहाँ पर भी देख लो मुड़ के। तो देख रहे हो यहाँ पर ना लेस्टर ने ब्रीफ केस खोल दिया है, और उसके अंदर से एक लैपटॉप मिला और ऊपर रखी थी सीढ़ी। तो भाई उसके बाद ना यहाँ ने सीडी उसी लैपटॉप में डाली, तो अलग ही लैंग्वेज है यार बहुत ही ज्यादा। तो लेस्टर कह रहा है यहाँ पर ना मैं उसको देखता हूँ हैक करके, तो मुझे ना 3-4 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं। तो यार अलग लैंग्वेज है, उसको ये हैक करेगा, तो भाई पता नहीं यार क्या ही कुछ करना पड़े। जहाँ तक मुझे लग रहा है लेस्टर इसको हैक कर लेगा। तो चलो भाई इस समय तुम्हारा भाई बिल्कुल फ्री है यार, तो सही है, 3 दिन से लगातार मैं ज़ोंबियों के बीच में जा रहा हूँ, आज तो ज़ोंबीज बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखे। तो चलो भाई अब यहाँ पर भी हम चिल कर लेते हैं, तो भाई आराम से ना यहाँ पर बात वगैरह करते हैं सबसे पहले। तो हेलो मार यार यहाँ पर भी देख लो भाई, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ।
तो चलो गाइस यहाँ पर शाम हो चुका है। तो भाई यहाँ पर ना कॉफी वगैरह सब लोग पी रहे थे, तो भाई शाम कब हुई पता ही बिल्कुल भी नहीं अपने को चला। बस ना यहाँ पर लेमार एक ही बात कही गया कि ज़ॉम्बीज़ अगर हमारे घर पर अटैक कर देंगे तो भाई पागल है। तो चलो गाइस बाहर से ना बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, फायरिंग वगैरह की भी बहुत ही तेज आवाज आ रही है। तो चलो गाइस यहाँ पर माइकल के हाथ में कॉफी भाई छोड़ दे भाई क्या ही करेगा। तो देख रो गाइस यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आए पड़े हैं। तो देख रो अभी तक ना माइकल आराम से अच्छे बच्चों की तरह कॉफी पी रहा था और बाहर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दे, तो जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी मारने में यहाँ पर लगी पड़ी है ज़ॉम्बीज़ को। और ये क्या नींद में है भाई साहब, क्या ही कर रहे हैं यार ज़ॉम्बीज़, अचानक से आए थे पता नहीं यार क्या ही अटैक, ये जालियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जो अपने बंदे हैं ना बाहर थे। तो भाई हमने यहाँ पर पूरी आग वगैरह लगा दिया है और जो बाहर सिक्योरिटी थी उन्होंने आधे ज़ॉम्बी संभाल लिए हैं आधे हमने संभाल लिए हैं। तो सही है यार इनको तो आग से जला देना चाहिए, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या पता चलता है यार ये लोग फिर से खड़े हो जाए यहाँ पे, तो चल बेटा तू भी यहाँ पर जल जा। तो चलो गाइस अब मैं ना जल्दी से ऊपर की तरफ चढ़ जाता हूँ, फिर ऊपर से इनके ऊपर मोलोटोव फेंकने की कोशिश करता हूँ। तो यार इनको अगर हल्का सा भी छोड़ेंगे ना तो गाइस आपको पता ही है फिर से पैदा हो जाएंगे, बाद में अपने कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये लेमार पता नहीं यार क्या ही बनता जा रहा है, लेमार अपने को कह रहा है अगर वो लोग अपने ऊपर हमला कर देंगे ज़ॉम्बीज़ अगर अपने घर पे, तो भाई जैसे ना उसको जानबूझ के कह रहा है वो लोग, उसको जैसे सब कुछ पता ही था कि हमला होगा। इनको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जल्दी से मैं मौली मारता हूँ। तो भाई इसके भी हमने मारे हैं, तो क्या पता चलता है गाइस यार बुरे टाइम का कब ये फिर से उठ के रिस्पोन होके वापस से अटैक कर दें। तो भाई अपनी सिक्योरिटी पे भी ना दो बंदे यहाँ पर यार मर चुके हैं, तो यार वो ना बेचारे बाहर की तरफ थे उनको पता ही नहीं चला ज़ॉम्बीज़ ने जो ही अटैक करा, और यार बाहर गाड़ियाँ वगैरह पूरी ब्लास्ट कर रखे हैं। तो जल्दी से मैं इसके ऊपर जंप करके चढ़ जाता हूँ, फिर ऊपर से मारते हैं इनके मौली। तो चलो गाइस जल्दी से अब मैं जंप यहाँ पर कर देता हूँ, जो भी जितनी भी अपने पास मौलियाँ हैं जल्दी से यार इनके ऊपर मैं बरसा देता हूँ भाई, फिर से ना ही कोई भी यार प्रॉब्लम नहीं लेने वाले। तो चलो गाइस इस समय ना सुबह हो चुका है, तो भाई रात भर ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के बाद लेस्टर अभी तक हैक करने में लगा है, तो भाई अभी तक ना ये हैक बिल्कुल भी नहीं कर पाया है। तो ये कह रहा बस मुझे आधा घंटा दो फिर मैं तुम्हें पूरा हैक करके बता देता हूँ। तो सुबह के अभी बिल्कुल 5 बज रहे हैं, तो भाई अलग ही है यार यहाँ पे, तो यार जल्दी दिन हो गया थोड़ा सा। तो चलो भाई अब जल्दी से इससे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो भाई देख लो लेस्टर यहाँ पर कह रहा ना इसने उस चीज़ को हैक कर लिया, तो वो अलग ही लोकेशन थी यार अलग जगह की, वो लोकेशन है माउंट चिलियाड की किसी साइंटिस्ट की। तो किसी साइंटिस्ट ने ना अपनी स्टोरी लिखी है कि वो एक्सपेरिमेंट करने से मना कर रहा था पूरा, कि उसको पता था यार ऐसा उल्टा काम हो जाएगा, पर जो मिलिट्री बेस का कर्नल है और जो मिलिट्री बेस वाले हैं उन्होंने कहते हैं कि इसकी पावर से हम लोग राज करेंगे पूरे लॉस सैंटोस पे और पूरी दुनिया पे, तो जिस कारण उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा वो उल्टे एक्सपेरिमेंट हो गया। तो चलो गाइस इस समय हम चल रहे हैं सीधा मिलिट्री बेस के पास यार माउंट चिलियाड पे, मिलिट्री बेस के पास ही माउंट चिलियाड है। तो चलो भाई अब जल्दी से यहाँ से चल लेते हैं। भाई अपने साथ कौन ही जा रहा है, भाई ट्रेवर तू जाएगा कि फ्रैंकलिन जाएगा, तो भाई जल्दी आ जाओ यार जिसने आना है। तो यार मुझे लग रहा है ट्रेवर आएगा क्योंकि कब से जिद कर रहा था वो। तो यार सबसे पहले इस गाड़ी की हालत देखो भाई क्या आई होगी अपने लैम्बोर्गिनी यूरस की, कल ओ हो रही होगी यार खड़े खड़े जैसे ऐसा लग रहा पिघल चुकी है गाड़ी। तो यार ट्रेवर अपने साथ जाने वाला इस समय, तो यार मुझे बिल्कुल भी लेस्टर की स्टोरी नहीं समझ आई, उसने ना अपने को एक लोकेशन दिया है। तो चलो भाई इस बस को लेके चलते हैं, तो भाई जल्दी से ट्रेवर अपने साथ बैठ जा। तो भाई ये तो बेकार है यार, मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो भाई जल्दी से मैं इससे उतरता हूँ। तो गाइस ऊपर की तरफ ना एक चॉपर खड़ा है, क्योंकि यार ये मिलिट्री वाले जैसे लग रहे हैं, तो भाई इनके पास ना बहुत ही ज़्यादा चॉपर है। और एक तो हम ब्लास्ट कर रहे थे भाई, आपको पता होगा कल की वीडियो में क्या ही स्कैम हो गया था अपने साथ, मुझे लगा था कि वो चॉपर है पर यार वो तो फूटा हुआ चॉपर था जिसमें हम बैठने गए थे, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल के बाद माइकल बहुत ही ज्यादा बचा। तो चलो गाइस ये ट्रेवर कहाँ रह गया भाई साहब, तो चलो गाइस यार आ जाएगा। तो चलो भाई अब इसमें बैठते हैं चॉपर में और जल्दी से यहाँ से चलते हैं सीधा माउंट चिलियाड के टॉप पे। तो यार वहां पर एक साइंटिस्ट है जहां तक लेस्टर कह रहा है, और लेस्टर कह रहा है कि उसी ने ये इन्वेंट करा था पर वो मना कर रहा था ये सब करने को, और तब भी ना मिलिट्री बेस वालों ने ये सब बना दिया, तो जिस कारण बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। और यार वो ना इस समय उसकी लास्ट लोकेशन ना माउंट चिलियाड के किनारे की आ रही है, क्योंकि उसकी इसने ना सीडी वगैरह हैक कर लिया लेस्टर ने, तो आधी बात मुझे पता चली यार आधी कुछ भी नहीं पता चली, तो वहां जाकर ही पता चलेगा सब कुछ। और अपने पास ना एक स्कैनर है यार, एक चीज कह लो सेंसर टाइप का, जब हम माउंट चिलियाड के टॉप के पास जाएंगे ना जो दरवाजा नहीं खुलता वो भी खुल जाएगा। तो भाई मुझे कुछ भी यहां पर नहीं समझ आया। तो लेस्टर ने बोला अपनी जेब में ना अपनी पॉकेट में वो सीडी रखना और उसको हल्का सा आगे की तरफ दिखा देना, तो वो डोर पूरा ओपन हो जाएगा और तुम अंदर जा सकते। तो भाई लेस्टर कह रहा है मैं भी तुम्हारे साथ चला होता पर ना इधर छोड़ भी नहीं सकता ना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर मैं देखूंगा इधर उधर। सही बात है, लेस्टर का घर होना बहुत ही जरूरी है, और यार वो कुछ भी हैक कर ले तो सही है, जितना वो हैक करेगा अपना ही फायदा है। तो चलो भाई अब जल्दी से हम आ चुके हैं माउंट चिलियाड के बिल्कुल टॉप पे, तो चलो भाई आगे की तरफ अपने को जाना। तो देख लो जो बिल्कुल टॉप है माउंट चिलियाड का बिल्कुल यही टॉप है, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है यार माउंट चिलियाड पे। तो यार आप इधर अगर ज़ॉम्बी हो ना तो क्या ही अपनी रेल बनेगी और ज़ॉम्बी क्या ही अपनी गेम बनाएंगे, तो गाइस आपको भी पता है। तो यार वैसे दिन के टाइम तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं होगा यहाँ पे, तो भाई
क्या ही सस्ती लैंडिंग करी है तुम्हारे भाई ने। तो भाई इस लैंडिंग के लिए एक लाइक तो जूर से बनता है। तो भाई जल्दी आ जाए ड्राइवर अपने पीछे से। और नीचे की तरफ यार मैंने किसी को तो देखा था यार। तो भाई आग वगैरह लगी और ये कितने ज़ॉम्बी मरे हैं यहाँ पे। तो भाई ज़ॉम्बी है कि क्या है, मैं एक बार फायर कर देता हूँ, क्या पता जिंदा हो, ये लोग सो रहे हो। तो भाई देख रहे हो अचानक से कांपने लगे और जल्दी से ना मैं इनके ऊपर जल्दी से मोलोटोव फेंक देता हूँ, जिस कारण ये अगर उठे भी हो तो जल जाएं। तो चलो बेटा यहाँ पर मर जाओ, बस तुम्हारे मरने का टाइम है। अब ये दोपहर में ना ये बेहोश से होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ रात में इनकी पावर दुगनी होती है। और यहाँ पर आग वगैरह पहले ही लगी पड़ी है, मुझे कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर ये लोग जल चुके हैं। तो चलते हैं सीधा अंदर की तरफ, एंटर होने की कोशिश करते हैं। लेस्टर ने बोला था ना जो वो सीक्रेट प्लेस है ना माउंट चिलियार्ड की, जो एक कुछ ड्राइंग वगैरह छपिया उसके सामने तुम सीढ़ी दिखा देना, फिर वो डोर ओपन हो जाएगा। भाई जैसा वो कह रहा वैसा लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा मुझे। और देख रहे हो यार यहाँ तो आग पूरी बढ़ चुकी है। तो यार अपने पास एक और आइडिया है, हम जाएंगे बैक साइड से। तो चलो भाई ड्राइवर जल्दी से अपने पीछे आ जाओ, फिर हम चलते हैं सीधा बैक साइड से। चलो भाई यार तुम्हारे भाई के पास दिमाग तो बहुत ही ज्यादा है यार। तो भाई बस घट ही चलता है ये तो मानता हूं मैं। तो चलो भाई अब जल्दी से चल लेते हैं की तरफ। भाई इसको बिल्कुल भी लेके जाएंगे क्योंकि इकलौता अपने पास चॉपर है, अगर इसको कुछ हो गया ना तो यार हम कैसे जाएंगे अपने वापस से बेस पे। तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इस चॉपर को कुछ हो गया। तो यार आई होप यार ना ही हो, क्योंकि आपको पता है जो भी मैं बोल देता हूँ वो सही में हो जाता है। तो भाई इस समय मैं चुप रहूंगा बिल्कुल। तो इस समय अपने साथ आ चुका है ड्राइवर। तो भाई जल्दी से ना हम बैक साइड से जंप कर देते हैं, इस समय तो बहुत ही ज्यादा आग लग चुकी है इस तरफ। तो देख रहे हो यार अपने पास तो दूसरा आइडिया था। तो भाई कह रहे हो ना तुम्हारे भाई का दिमाग ही बहुत ही ज्यादा तेज है। तो भाई क्या ही हो गया, तो यार जंप वहां से करनी थी तो यार यहां से होगी। तो चलो, तो भाई ये क्या हो गया यार, ये गेट किसने बंद कर रखा है यहाँ पे। तो यार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगे पड़े हैं। तो चलो भाई जल्दी से इस पे मैं लात मारता हूँ। तो भाई बिल्कुल भी नहीं खुल रहा यार, किसी ने ना यहाँ पर पूरा बंद कर रखा है इसको। और जैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार, जैसे इसके अंदर कोई छुपा है। तो यार इस समय जैसे साइंटिस्ट की बात करी थी लेस्टर ने, और साइंटिस्ट हो मैं तो कह रहा हूँ कहीं भागा हुआ हो। तो देख रहा यार यहाँ पर पूरी आग वगैरह लगा रखी है और अपने को ना इसके अंदर एंटर होना है। तो देख रहा यार जल्दी से मैं पहले इनको ब्लास्ट कर देता हूँ। तो चलो बेटा पहली फुर्सत में निकल लो यहाँ से, कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमने कर दिया ब्लास्ट। तो देख रहे क्या ही तबाही हो चुका है। तो चल भाई ड्राइवर कहाँ ही रह गया यार अब। तो जल्दी से ना हम इसके अंदर एक बार एंटर होते हैं। भाई मैं पहले ड्राइवर को देख लूँ, अभी तक तो यहीं था और अब पता नहीं कहाँ ही चला गया यार। तो देख रहे कितने ही ज़्यादा चिंगारियाँ वगैरह आ रही हैं। तो देख रहे ड्राइवर फाइनली ऊपर से जंप कर गया। तो चलो भाई हम एंटर हो चुके हैं अंदर की तरफ। तो भाई देख रहे इस गुफा में वहाँ पीछे से आए हैं उस टनल में से। तो भाई जैसे लेस्टर ने बोला था ना कि सीढ़ी दिखाना फिर तुम आ जाओगे, तो यार हमने भी वही करा। ड्राइवर के हाथ में सीढ़ी, तो उसने दिखाया हम सीधा अंदर की तरफ एंटर हुए। जब गेट खुला तो अलग ही सीन था यार, बिल्कुल टेलीपोर्ट जैसा हो गया। तो चलो भाई बहुत ही ज़्यादा अंधेरा इस गुफा में, आई होप यार सब कुछ सही हो और ज़ोंबी ना कोई निकल आए। तो भाई सोच के देखो गाइज, अगर इस गुफा में से ज़ोंबी निकल के आया तो गाइज मेरी हालत क्या ही होने वाली है। और ये ट्रैवर भाई पूरा दिमाग खराब कर रहा है, अभी तक तो यही था, पता नहीं यार कहाँ ही गायब हो रहा है। तो भाई अचानक से सामने की तरफ भाग रहा है। तो देख रहे हो यार बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है इस टनल में, कब से यार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई अब आगे की तरफ से अगर ज़ोंबी आया ना तो भाई मैं मत्थे में जो ही गोली उसके रख के दूंगा ना, तो भाई पूरा दिमाग खराब हो गया पहले ही मेरा। तो भाई जल्दी से चल लेते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से जाना है अपने को लेफ्ट। तो भाई ये तो सिंपल है भाई, कह रहा हूँ तुम्हारे भाई का दिमाग बहुत है। तो चलो भाई जल्दी से चल लेते हैं। तो भाई ये क्या हो गया यार, अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह हो गया। तो भाई जल्दी से पीछे आना पड़ेगा, जल्दी से कवर लेके बैठ जाए भाई माइकल। तो देख रहे हो यार अचानक से ना पूरी यहाँ पर ना प्लानिंग वगैरह कर रखी किसी ने, और यहाँ पर क्या ही लगा है लेफ्ट में ऊपर की तरफ। तो भाई स्टिकी बॉम्ब लगे पड़े हैं। तो देख रहे हो ऊपर की तरफ स्टिकी बॉम्ब है। तो भाई ओ भाई गायब ही हो गया भाई, कैसा बॉम्ब था भाई अचानक से गायब हो गया। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना आगे की तरफ चल लेते हैं हम, और अपने को ना पूरा स्टे अलर्ट चलना पड़ेगा, पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जितना मैं आसान सोच रहा हूँ उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो उधर किसी ने मार्क लगाया था लेफ्ट में जा रहा हूँ, हम जब लेफ्ट जाने लगे तो अचानक से जो ही ब्लास्ट हुआ। तो गाइस यार मानना पड़ेगा उस साइंटिस्ट को, क्या ही उसने जाल बिछा के रखा है पूरा। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ, ये ड्राइवर कहाँ ही रह गया यार। और मुझे ना एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, साइंटिस्ट इतने दिनों तक यार बैठा कैसे पड़ा है। तो जब ही हम आ गया है तो इतनी ज़्यादा तबाही हुई है भाई, दिमाग खराब हो रहा है। मन तो करा ना मैं मत्थे पे साइंटिस्ट की गोली जो रख के बजाऊँ ना, तो भाई उसको भी पता चल जाए। पर यार वही तो इकलौती चीज़ है ज़ोंबी से बचाने के लिए, अगर वो मर जाएगा तो गाइस यार सोचो यार कौन बजाएगा लोस सैंटोस को। तो चलो गाइस अब जल्दी से चल लेते हैं आगे की तरफ, आई होप यार सामने की तरफ ही वो। तो यार एक टनल इधर को जा रही है, एक टनल सामने की तरफ जा रही है, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पर नहीं आ रहा। तो भाई पहले मैं इस तरफ, तो भाई देख रहा हूँ सामने की तरफ यार वही साइंटिस्ट लग रहा है मुझे कि ज़ोंबी है यार, दिमाग खराब हो रहा है भाई। आग के उस तरफ तो ज़ोंबी बिल्कुल भी नहीं खड़ता, ज़ोंबीज़ तो यार फायर से डरते हैं। तो भाई इसको शायद अभी तक पता नहीं कि मैं आ चुका हूँ। तो चलो गाइस इसने ना अपने को बोला कि जो भी है ना जल्दी से आ जा, और यार तू ज़ोंबी की क्या है, तू पहले ना
अंदर कैसा है पहले ये बता, और तुम दोनों कौन हो भाई? ट्रेवर ना इसको पता कैसे चल गया, इसने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया, तो यार कैमरे वगैरह तो हमने तोड़ दिए थे पूरे, तो भाई ये ट्रेवर भी आ चुका है। तो देख रहे हो ये कह रहा है ना, जल्दी से ना अपने कपड़े उतारो यहाँ पे, और तुम इन्फेक्टेड हो ज़ोंबी से कि बिल्कुल भी नहीं हो तो मुझे पहले बताओ। हम जब कह रहे हैं हम सही हैं, ज़ोंबी ने हमें एक बार भी नखून तक नहीं मारा और कोई भी खरोच तक नहीं दी, कह रहा पहले अपने कपड़े उतारो फिर बात करो, नहीं तो मैं अभी M24 ने जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये पूरी तुम्हारे सिर में डाल दूंगा, और तुम ज़ोंबी तो मुझे वैसे लग नहीं रहे हो। तो देख रहे इस समय ना भाई साहब यार तुम्हारे भाई ने कपड़े यहाँ पर उतार दिए हैं, तो देख रहे हो भाई माइकल माफिया यार बिग माफिया यहाँ पर पूरा कच्चे के बीच में यार पूरा अंडरवियर डाल रखा है, और ये कह रहा कि जल्दी आ जा मेरे पास अब मैं तेरी बॉडी चेक कर लूँ एक बार। तो देख रहे हो भाई कोई भी निशान नहीं है भाई साहब, देख ले यार। तो चलो भाई साहब ट्रैवर की बारी, भाई ट्रैवर तो और ज़्यादा फनी लग रहा था भाई, देख रहे हो यार क्या ही सीन लग रहा है भाई, जो बिग माफिया थे ना क्या ही ज़ोंबी के डर से हो चुके हैं। तो इस समय कह रहा कि यार मुझे माफ़ करना पर ये सब करना पड़ता है, तो ये कह रहा ना यार मैंने श्योर करना था कि तुम ज़ोंबी तो नहीं, तो भाई ये कह रहा कि तुम्हें मेरी लोकेशन का कैसे पता चला? तो हमने इसको सब कुछ समझा रहे हैं, हम गए थे मिलिट्री बेस में, ज़ोंबी बहुत ज़्यादा बाहर बढ़ चुके हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो यार ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मान रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, तो हमने बोला कि हमारे पास बेस है, तो यार ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मान रहा। तो चलो इधर अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और शाम वाली वीडियो पे भी जरूर आना 6 या 7 बजे पाऊंगा, और यार इस वीडियो का एम है पूरे 4000 लाइक का, और चैनल करूंगा चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।